साडा पंजाबी विरसा चैनल नाल जुड़े सारे दर्शकों नूं अदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों पंजाब पंजाबीयत अते पंजाबी विरसे नूं आउण वालियां पंजाबियां दीआं नवीआं पीढ़ियां लई जीउंदा रखण लई इन्हां वीडियो राहीं इस चैनल दा इक छोटा जिहा उपराला है। इस चैनल दी किसे भी वीडियो उत्ते किसे भी गायक गीतकार संगीतकार निर्देशक संगीतकार कंपनी जां किसे व्यक्ति नूं कोई भी शिकायत सुझाव ते किसे भी तरह की कोई असहमियत होवे तां हेठ लिखे पते ते संपर्क कर सकता है। तो इस दे नाल गल करदे हां जिवें कि पिछली वीडियो च असी तुहानू दस्या सी कि चमकीले ने इन्ने हिट गीत किवें लिखे ते अज गल करदे हां दोस्तों अमीरी ते फकीरी इन्हां दोनों शब्दों विच बहुत कुछ छुपया है जो इस चैनल दी इह वीडियो राहीं तुहानू दस्सांगे चमकीले दी अमीरी ते फकीरी। अज कल देखिया जांदा है कलाकारां दा अपने सजिंदियां दे लई बहुता वधिया सलूक नहीं रहा। जद एक कलाकार अपने सजिंदियां तों बिना पूरन नहीं हो सकदा कहिंदे ने ताड़ी दो हत्थां नाल नहीं वजदी। इसे तरह कलाकार ते सजिंदे रल के ही मेला बन सकते हैं। तुसी देख ही रहे हो करोना महामारी के दौरान सजिंदियां नूं अपने कलाकारां नूं कहना पै रहा है कि साडे वल ध्यान दवो पर जे कलाकार अपने सजिंदियां नूं सांभदे हुंदे तां शायद ये नौबत ना आउंदी। इत्थे गल करदा हाँ अमर सिंह चमकीले नाल भी कई बार ऐदा हो जांदा सी। उसने कदे अपने साजियां नूं जां स्टेज सैक्टरी नूं किसे नूं घूरिया नहीं सी। इस नाल जुड़ी एक उदाहरण पढ़ के सुनांदा हाँ जो कि बलराज सिंह सिद्धू की किताब शहीद विच लिखा होया है। एक बार किक्कर डालेवाल ने पट्टी कोल वलटोए का प्रोग्राम बुक कर लिया सी। प्रोग्राम वाले ने सेरा पढ़न की जिम्मेवारी भी चमकीले की पार्टी नूं ही दे दित्ती सी। चमकीले ने पिंड कोल जाके कार उरे रोक ली ते किक्कर दीपा तुंबी वाला अते सत्ता सेरा पढ़न लई पैदल चले गए सन। जदों किक्कर होरी विआह वाले घर गए तां उन्हां ने दस्या कि विआह तां एक महीने बाद दा सी। किक्कर होरी चमकीले होरां नूं सड़क किनारे एक मोटर ते बैठ के उड़ीकण लग गए सन। जदों चमकीले दी कार उन्हां कोल दो तीन घंटे बाद आई तां मोटर उत्ते उन्हां नूं बैठे देख के अमरजोत बोली सी, देखो सेरे दे इकट्ठे होए पैसे गिनी जांदे आ। जदों किक्कर होरां ने चमकीले नूं सारी गल दसी कि गलती नाल एक महीना पहलां दी डेट डायरी विच पा बैठे सी तां चमकीले ने हस के गल टाल दित्ती सी। उसने नजायज़ खर्चा पवाउण लई झिड़कण दी बजाए सब नूं कोलों पैसे दे के पार्टी करन लई कह दित्ता सी। चमकीले दी शोहरत दिनों दिन वधदी जा रही सी। पैसे ते शोहरत आउण दे बावजूद भी चमकीले विच रता हंकार नहीं सी आया। उसने निम्रता दा पल्ला नहीं सी छड्या ते ना ही कदे फूंफां कीती सी। वो आप तो छोटियां नूं भी वीरा आ के बुलाउंदा सी। कदे किसे कुड़ी उपर उसने मैली अख नाल नहीं सी वेख्या। चमकीले नूं उस दियां प्रशंसक कुड़ियां भी मिलन आउंदियां अमरजोत दी हाजरी विच मिलदा हुंदा सी। जदों चमकीला अपने पिंड दुगरी आउंदा तां उसनूं कोई वाकफ रस्ते विच तुरिया दिस जांदा तां कार विचों उतर के ओह अगले नूं मिलदा जां अपने नाल कार विच बिठा के पिंड छड के आउंदा सी। इस प्रकार कई बार उसनूं हरबंस उर्फ बिल्लू दिहाड़ी ला के पिंड नूं जांदा होया रस्ते विच टकरिया सी। ओह बिल्लू नूं गड्डी विच बिठा के पिंड छड के आउंदा हुंदा सी। एक बार बिल्लू तों रह ना होया ते उसने चमकीले नूं कह दिता सी, तू एडा वड्डा कलाकार ते मैं गरीब दिहाड़ीदार फिर भी इन्ना मोह करदा है, फिर की होया जे अज मैं अमीर हो गया जे जां वड्डा गायक बन गया हाँ। एक दिन मैं तुहाडे विचों ही उठिया सी। ये मेरी मेहनत कला जां मेरी किस्मत है ने मैनूं धरती तों आसमान तक पहुंचाया है। मैं अपनियां जड़ां नूं किवें भुल जा सकदा हाँ। जिहड़े दरख्त अपनियां जड़ां भुल जाण ओह बहुती देर खड़े नहीं रहिंदे। आपां इक्को पिंड दे हाँ, एक दूजे दे गुआंढ विच अपने घर हन। आपां इकट्ठे पढ़े इकट्ठियां दिहाड़ियां कीतियां, तेरा मोह आउणा सुभाविक है वीरे। चमकीले दीआं गल्लां सुण के बिल्लू दीआं अखां विच खुशी दे हंझू छलक आए सन। अमर सिंह चमकीला जे रज के कमाई कर रहा सी तां दान वी ओह रज के करदा सी। पिंडों जदों कोई लोड़वंद उसदे बूहे ते आ जांदा ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਿਆ। ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ 1100 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ, ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਿਓ ਦਾ ਪੀਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 10 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਤੇ 11 ਬੱਚੇ ਜਵਾਹਰ ਕੈਂਪ ਬਸਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲਾ ਐਸੀ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤਾਬ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿੱਚੋਂ
पढ़ के सुनाया है अमीरी ते फकीरी ते इस तरह वीडियो तुहाडे रूबरू करदे रहांगे। हुण लई दिओ इजाजत। प्री डुगरी साडा पंजाबी विरसा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।